हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी, और एक बार फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 8 सितंबर 2020। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। दोस्तों, यही नहीं बल्कि एक और खुशखबरी है जो आप लोग के लिए विजन लेकर आए, वो ये है कि जैसे कि आप लोग को पता है कि IBPS PO का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो अविजन लेकर आया है IBPS PO क्रैश कोर्स 2020। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इसमें एनरोल करवाता है उसको यहाँ पर लाइव क्लासेस दी जाएगी, प्लस ये जो पूरा कोर्स रहेगा वो 28 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आपको इस पर अगर कोड यूज करते हैं US15, अगर आप avision.co.in पर जाकर अपने आप को एनरोल करते समय ये कोड US15 का यूज करते हैं, तो आपको इंस्टेंट 15% का डिस्काउंट भी अवेल करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, देर ही उस बात की है, जल्दी से जल्दी जाकर अपने आप को एनरोल करवाइए और एक सीट बुक कर लीजिए और अपना जॉब का अश्योरेंस कर लीजिए अविजन के साथ। तो दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन, जो कि रहेगा क्या करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम इज टू हेल्ड इन। आप लोगों को तो यहाँ पर बताना है कि इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी दोस्तों, ये आपको बताना है। जो थर्ड एनुअल मीटिंग है तो हानोई, बेसिल, जेनेवा, वॉशिंगटन DC। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हानोई, जो कैपिटल है कहाँ का, वियतनाम का। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द थर्ड एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम इज टू हेल्ड इन हनोई, वियतनाम कैपिटल, October 28, 2020 to October 29, 2020। द फोरम एम्स टू प्रोवाइड अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन विद कंट्रीज दैट आर इंडिपेंडेंट, प्रॉस्परस एंड स्ट्रॉन्ग। ड्यूरिंग द फोरम द बिजनेस लीडर्स विल डिस्कस इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, मार्केट कनेक्टिविटी, डिजिटल इकोनॉमी, हेल्थ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो चीज है कि कौन सी डेट को ये एक तो पहले होगा और दूसरी बात ये कहाँ पर हो रहा है, ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हु अप्रूव्ड द यूनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम विच वॉज प्रपोज्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन जयराम गडकरी या फिर रघुराम राजन? तो यहाँ पर दोस्तों, नितिन जयराम गडकरी जो क्या है आपके यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, MSME के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर एक अप्रूवल दिया है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को, जिसमें हम लोग सेल्फ रेलिएंट इन अगरबत्ती प्रोडक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर जो मुहिम चल रही है आत्मनिर्भर की, वो आत्मनिर्भर की मुहिम को देखते हुए यहाँ पर खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर को एक अप्रूव किया गया है बाय नितिन गडकरी, और ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है क्योंकि ये कुछ नई चीज, नया अप्रूवल मिला है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट रह सकता है। दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यूनियन मिनिस्टर MSME नितिन गडकरी अप्रूव द यूनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम विच वॉज प्रपोज बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC टू हेल्प इंडिया बिकम आत्मनिर्भर अगरबत्ती प्रोडक्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट टुक एन इनिशिएटिव टू ऑर्गेनाइज एंटी डेंगू कैंपेन? यहाँ पर दोस्तों, आप लोग को बताना है कि कौन से से स्टेट या फिर यूटी यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है जिसने एंटी डेंगू कैंपेन का निर्माण किया है, इनिशिएटिव लिया है। तो यह राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो दोस्तों, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक मुहिम चालू की है जहां पर 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली गवर्नमेंट एंटी डेंगू कैंपेन लॉन्च्ड। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कैंपेन वाज हेल्ड लास्ट ईयर विच सेट केजरीवाल हेल्प ब्रिंग डाउन द नंबर ऑफ डेंगू केसेस एंड डेथ्स। द कैंपेन अर्जेस पीपल टू इंस्पेक्ट देयर होम फॉर एनी पॉसिबल सोर्सेज ऑफ स्टैग्नेंट क्लीन वाटर विद विच कैन लीड टू द ब्रीदिंग ऑफ एंडीज एग्पिटी मॉस्किटोज दैट स्प्रेड डेंगू। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों, जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है, जो मतलब जो डेंगू, आप लोगों को पता है कि ये एक मच्छर की बीमारी जो पानी, जो गंदे पानी में उगते हैं, फिर स्टैग्नेंट वाटर में है रहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इनिशिएटिव लिया था पिछले साल भी, और इस साल भी ये चीज जारी की गई है अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा, के
नंबर ऑफ डेंगू केसेस या फिर नंबर ऑफ अफेक्टेड डेंगू पीपल्स की क्या हो, कमी हो संख्या में, तो इसको लेकर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। केशवानंद भारती बिलोंग्स टू विच फील्ड, इंडियन डांसर, इंडियन फोक सिंगर, इंडियन वोकलिस्ट या फिर इंडियन थिएटर आर्टिस्ट। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, इंडियन वोकलिस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों बता दूँ, एक केशवानंद भारती जो है उनकी डेथ हो चुकी है। ही वॉज 79 ईयर्स ओल्ड और संडे को ही इनकी क्या हो चुका है, इनका देहांत हो चुका है दोस्तों। तो द सीयर वॉज द प्रिंसिपल फोर्स दैट अनबीटिंगली सेट द स्टेज ऑफ द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट लेट डाउन द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली दोस्तों ऑर्बिचुरीज आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जो मैंने हर सेशन में आप लोग को बताया है। तो केशवानंद भारती जो कि एक फेमस पर्सनैलिटी थे, इनके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑब्जर्व ऑन September 7, 2020, September 8, 2020, September 9, 2020 या September 10, 2020। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर ए, September 7, 2020। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ब्लू स्काइज ऑब्जर्व किए हुए हैं September 7, 2020, और ये जो फर्स्ट सेलिब्रेशन विल बी सेट अ प्रीसिडेंट फॉर एन इम्पॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग न्यू इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर टू बी सेलिब्रेटेड एनुअली। The observance of this date is to open the UN member states, UN organization, international as well as regional organization in the civil society. Next चलते हैं question number 6 के ऊपर। काजीरंगा national park established in the year 1904, 1905, 1907 or 1908. Here the correct option will be option number D, 1908. पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो काजीरंगा park said to be expanded by 3053 हेक्टर्स। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों क्या किया, एडिशन ऑफ 30.53 स्क्वायर किलोमीटर टू द 884 स्क्वायर किलोमीटर काजीरंगा नेशनल पार्क। तो दोस्तों आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि अब काजीरंगा पार्क का जो एरिया था उसको बढ़ा दिया गया, उसको एक्सपेंड कर दिया गया है, और इम्पोर्टेंट रह सकता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस यहाँ पे दो अदर डिस्ट्रिक्ट्स का भी ऐड किया गया है, जैसे नौगांव और सोनितपुर। ठीक है, आसाम में है काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड, और ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्रिकेटर इयान बेल बिलोंग्स टू विच क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो इन्होंने क्या किया है दोस्तों, अनाउंस कर दिया अपना रिटायरमेंट। इंग्लैंड क्रिकेटर इयान बेल हैज अनाउंसड दैट ही विल बी रिटायर्ड फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट इन द एंड ऑफ 2020 डोमेस्टिक सीजन। ही मेड हिज डेब्यू इन 2004 एंड ही प्लेड 111 टेस्ट, 161 ओडीआईज एंड 8 टी20s फॉर इंग्लैंड। He retired from ODI in 2015 to focus on Test cricket. He won 5 Ashes series out of 7 and he was a player of the series 2013 series where he scored 562 runs at an average of 62.44. So that is a very great successful career of एंड क्रिकेटर। और दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन्होंने रिटायरमेंट लिया, उनका नाम और प्लस ही कौन सी क्रिकेट टीम से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। नेम द मोबाइल एप्लीकेशन हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंग्लिश एंड द फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। इंग्लिश प्रो, इंग्लिश प्लस, इंग्लिश प्राइम, इंग्लिश पर्क। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश प्रो। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लॉन्चेस मोबाइल ऐप इंग्लिश प्रो। The mobile application has been developed by the English and the Foreign Languages University, Hyderabad, under the University Social Responsibility, that is USR. This app will be a useful digital tool and will act as an educational resources for the teachers, students and people from the varied backgrounds. Next, chalte question number 9 ke upar. The first ever cannabis medicine project that is to be set up in the which state and UT in India? तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि FDI लेकर आया है कनाडा से, प्लस इन द कोलैबोरेशन विद कैनबिस मेडिसिन ऑल्सो। तो ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है वो कौन सी स्टेट या यूटी में हो रहा है इंडिया के, तो ये बात बतानी है। तो ऑप्शन है आप लोग के पास, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, गुजरात। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट हैज टू बी सेटअप इन जम्मू एंड कश्मीर इन द कोलैबोरेशन विद कनाडा हैज टू बी द फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द यूनियन टेरिटरी। द प्रोजेक्ट इज टू बी सेट इन द इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन इन जम्मू एंड कश्मीर। द प्रोजेक्ट वॉज रिसेंटली रिव्यूड बाय द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन द ईयर 1941, 1943, 1945 एंड 1947. द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1945, ऑप्शन नंबर सी. पढ़ लेते हैं इसके बारे में. 35th FAO रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द स्पेसिफिक 2020. तो बेसिकली दोस्तों ये 35वां सेशन रहेगा FAO रीजनल कॉन्फ्रेंस का एशिया और पैसिफिक 2020 के बीच में, जो वर्चुअल फॉर्मेट ड्यू टू द ग्लोबल कोरोना वायरस 19 पैंडेमिक, इसकी वजह से ये सारी चीजें वर्चुअली हुई है. और दोस्तों यहाँ पर बता दूं मैं आपको, द कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड अंडर द चेयर ऑफ द होस्ट कंट्री, दैट इज भूटान. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि 35वां हुआ था और प्लस इसकी जो होस्ट कंट्री थी इस बार की कौन थी, भूटान थी. तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन बेस्ड ऑन 8 सितंबर 2020. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. अगर सेशन आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा. प्लस अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको इसका फायदा हो सके. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.